हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ खेल तंत्र। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन सुपर लीग से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहले गाइज, यहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं एस ईस्ट बेंगल के तरफ से, और एस ईस्ट बेंगल यहाँ पे नेपाली डिफेंडर अनंत तमांग को साइन करने की बहुत ही करीब है। दोस्तों, अभी तक साइनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन दोनों पार्टीज के बीच यहाँ पे वर्बल एग्रीमेंट हो चुके हैं। अनंत तमांग ने यहाँ पे खुद कहा है कि ही डिजायर्स टू प्ले फॉर एस ईस्ट बेंगल, और अगर वो गाइज एस ईस्ट बेंगल को ज्वाइन करेंगे देन दिस विल बी ए शॉर्ट टर्म डील। जैसे कि आप सभी को पता ही है, एस ईस्ट बेंगल के पास अब सिर्फ 4 मैच बाकी है ऑन गोइंग आईसीएल सीजन में, और अगर गाइस एस ईस्ट बेंगल को अनंत तमांग ज्वाइन करेंगे देन ही विल बी प्लेइंग इन दोस 4 मैचेस ओनली, क्योंकि इसके ठीक बाद वो नेपाल सुपर लीग में 3 लायन क्लब की तरफ से एज ए मार्की प्लेयर खेल सकते हैं। अगर आप अनंत तमांग की कैरियर की बात करें तो गाइस, नेपाल के फुटबॉल टीम के साथ साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडल उन्होंने जीते थे जो कि गुवाहाटी में खेला गया था। अपने कैरियर में स्पेन में भी फुटबॉल खेल चुके हैं अनंत तमांग, और अभी फिलहाल गाइस नेपाल नेशनल फुटबॉल टीम के वो एक बहुत ही अहम प्लेयर है। अगर ऑनगोइंग सीजन में अनंत तमांग आईएसएल को ज्वाइन करेंगे देन ही विल बी ओनली द 3rd साउथ एशियन प्लेयर टू प्ले इन आईएसएल। जी हाँ, इससे पहले 2014 में बांग्लादेश के मामूनुल इस्लाम ने एटीके के तरफ से फुटबॉल खेले थे। चेनसो इस वक्त केरला ब्लास्टर्स की तरफ से खेल रहे हैं जो कि भूटान के प्लेयर है। और गाइस, अगर अनंत तमांग भी आईएसएल को ज्वाइन करेंगे देन ही विल बी द 3rd साउथ एशियन प्लेयर टू प्ले इन आईएसएल। सो गाइस, फ्रॉम बोथ द पार्टीज दिस लुक्स लाइक ए गुड डील, और जो मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा साउथ एशियन प्लेयर्स को आईएसएल में खिलाना चाहिए। इस सीजन के शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट और एफसी भी बांग्लादेश के डिफेंडर टोपू बोरमोन को साइन करने की बहुत करीब थे, लेकिन ये डील नहीं हो पाया। द नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट हीरा मोंडोल, और दोस्तों कल ही मैंने आपको बताया था एटीके मोहन बगान ने हीरा मोंडोल के ऊपर इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन आज जो अपडेट है उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ एटीके मोहन बगान ही नहीं, इस वक्त 6 फुटबॉल क्लब हीरा मोंडोल के ऊपर इंटरेस्टेड है। और गाइस, भारत के दो बहुत ही बड़े अमीर फुटबॉल क्लबों ने हीरा मोंडोल के टेबल पर ऑफर रख दिए हैं। तो गाइस, यहाँ पे हीरा मोंडोल के पास बहुत सारे ऑफर्स है, सो हीरा मोंडोल इज डेफिनेटली अ हॉट प्रोस्पेक्ट इन इंडियन फुटबॉल राइट नाउ। दोस्तों, द नेक्स्ट अपडेट इज अबाउट फीफा रैंकिंग, और लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में भारत की पोजीशन है 104। जी हाँ, भारत लेटेस्ट फीफा रैंकिंग में 104 पोजीशन पर बरकरार है, कोई चेंजेस नहीं हुआ था। लास्ट टाइम भी जब फीफा रैंकिंग रिलीज हुए थे तब भी हम लोग 104th पोजीशन में ही थे, लेकिन गाइस दिस पोजीशन विल गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट मंथ, क्योंकि गाइस अगले महीने हम लोग बेलारूस और बहरीन के खिलाफ फ्रेंडलीज खेलेंगे, और उस फ्रेंडलीज के रिजल्ट डेफिनेटली दे विल इंपैक्ट इन फीफा रैंकिंग। तो गाइस, यहां पे बात करते हैं एटीके मोहन बगान की, और गाइस एटीके मोहन बगान के कैंप में यहां पे बहुत सारे इंजरी कंसर्न है। जी हाँ, रॉय कृष्णा जो कि वन ऑफ द वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ एटीके मोहन बगान टीम, ही इज नॉट फिट एट ऑल। दोस्तों, डेविड विलियम्स भी इंजरी के साथ जूझ रहे हैं, ह्यूगो गोमेज भी इंजर्ड है, अविलास पॉल भी इज आउट ऑफ द सीजन, और यहाँ पे गाइस दिक्कतें अमरिंदर सिंह को भी हो रहे हैं। तो इस वक्त गाइस एटीके मोहन बगान के पास बहुत सारे इंजरी कंसर्न है, जुआन फेरांडो के पास बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब उनको ढूंढना होगा, नहीं तो गाइस नॉर्थ ईस्ट और एफसी अपकमिंग मैच में एटीके मोहन बगान के ऊपर डेफिनेटली हावी होंगे। जो मुझे लग रहा है अपकमिंग मैच में सुब्रत और पॉल एटीके मोहन बगान के तरफ से फुटबॉल खेल सकते हैं, जुआन फेरांडो डेविड विलियम्स को भी खिला सकते हैं, लेकिन क्या वो 90 मिनट्स फुल ऑन फुटबॉल खेल पाएंगे, दैट्स अ बिग क्वेश्चन अहेड। सो इट्स ऑल अबाउट जुआन फेरांडोस टैक्टिक्स वर्सेस खालिद जमील ऑन द अपकमिंग मैच। तो गाइस, ऐसे में अपकमिंग मैच में कौन जीतेंगे वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तो गाइस, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया डू लाइक द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, अंटिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, अलविदा।